से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े धरना स्थल पर ही, आपस में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी पदाधिकारियों ने मामले को शांत करवाया है और अभी भी मौके पर गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आपस में भिड़ गए। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं और लात घूंसे आपस में ये चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोधपुर का ये मामला है और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से लात घूंसे चले, आपस में झगड़ा हो गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा जोधपुर में हुआ है और धरना स्थल पर ही आपस में ये लोग भिड़ गए। तो गुटबाजी अल्पसंख्यक मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है। तो अभी भी मौके पर गहमा गहमी का माहौल है, पुलिस ने बीच बचाव किया हालांकि, लेकिन ये अल्पसंख्यक मोर्चा के जो तमाम सदस्य कार्यकर्ता किस तरीके से एक दूसरे को पीट रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं, धरना स्थल पर ही आपस में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भिड़ गए। तो अब बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा मामले में संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं बताती है कि जोधपुर में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, सदस्य आपस में ही लड़ते हुए नजर आए, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में ये झगड़ा हुआ और ये लोग भिड़ गए। कभी बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने मामले को शांत भी करवाया और इन तमाम युवा कार्यकर्ता जो एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे थे और पुलिस ने इन्हें रोका, उन सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं ने शांत करवाया है और मामले में संज्ञान भी लिया गया है। लेकिन जोधपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य जिस तरीके से भिड़े हैं, ये तस्वीर वाकई समाज में अच्छा संदेश नहीं देती है। ये नेता आपस में, इनके अगर सामंजस्य नहीं है तो क्या इस तरीके से लात घूंसे चलाएंगे? हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ गए हैं इस खबर पर। अरुण, ऐसा क्या हो गया था कि बीजेपी के सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता इस तरीके से हमलावर हो गए एक दूसरे पर? नंदनी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहाँ पर इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष चाह रहा था मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखा जाए, दूसरा पक्ष चाह रहा था मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर दोनों जो अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे हमीद मेवाती, उनके सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े और काफी देर तक सफाई आप देखिए वीडियो जिस तरह से दिख रहा है कि एक युवक पर सब तमाम कार्यकर्ता भिड़ पड़े थे और बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, संदेश की। लेकिन कह सकते हैं जो अपने आप को अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी का जो धरना प्रदर्शन था उसमें इस तरह का वाक्य सामने है जिसमें कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अरुण, जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं, क्या उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है? क्या इन कार्यकर्ताओं से बैठ के बातचीत हो रही है? कहीं ना कहीं गुटबाजी जोधपुर में नजर आई बीजेपी के अंदर। देखिए नंदनी, अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे पदाधिकारी, उन्होंने टीका कांग्रेस में बोल दिया, ये राजनीति है। कैसे बोला कांग्रेस में उन्होंने, कहा ये जो है कार्यकर्ता हमारा नहीं था, ये कांग्रेस की तरफ से आया हुआ था, जबकि उस लड़के की माँ कह रही थी कि हम बीजेपी के, और उसके गले में दुपट्टा भी डाला हुआ था बीजेपी का, और उसकी माँ को भी दुपट्टा लेके खड़ी थी, उसने कहा हम बीजेपी के धरने में आए थे, बीजेपी के समर्थन में आए थे, लेकिन मेरे बेटे के साथ मारपीट की गई। तो कह सकते हैं खुद की गलती छिपाने के लिए कांग्रेस पर डाल दिया, कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दिया है, जबकि। चलिए शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपस में किस तरीके का असमंजस इनके बीच है, ये तो बीजेपी के आला नेता देखेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। जोधपुर में इस तरह की तस्वीर बीजेपी में देखने को मिली, लात घूंसे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बरसाए।